is Richa. Welcome back to my channel. तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. मैं भी ठीक हूँ. और आज सैटरडे है और आज है लक्ष्मी पूजा. लक्ष्मी दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद ही लक्ष्मी पूजा होते हैं. तो अभी मेरे घर पे मूर्ति से होता है, किसी के घर पे फ़ोटो से होता है, किसी के घर पे स्मॉल मतलब ऐसे ही घट से होता है. तो डिफरेंट घर पे डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन होते हैं सब घर पे. तो हैप्पी लक्ष्मी पूजा टू ऑल मेरे तरफ से. और अभी तो मैं पूरा फुल तैयारी कर रही हूँ. नहा लिया मैं, एक कपड़ा मतलब एथनिक पहने में बाद में दिखाऊंगी. और अभी फुल तैयारी पे लगे हूँ. तो मैं दिखाऊंगी भोग के प्रसाद का तैयारी चल रहा है, डेकोरेशन का तैयारी चल रहा है. पंडित आएंगे 3 बजे और तो 3 बजे तक तैयारी फुल चलेगा. उसके बाद शाम को मतलब नया ड्रेस नए तरीके मतलब रेडी होंगी न्यू वे पे. अभी तो कुछ ही नहीं, अभी बस मैं नहा लिया और क्योंकि मन नहीं कर रहा था, इतना गर्मी लग रहा है और बस ऐसे ही मेरा काम था तो मैंने ऐसे ही कर लिया. और क्या, अभी रंगोली वंगोली बनाना है. लक्ष्मी पूजा का मज़ा ही कुछ अलग होते हैं. पटाखा भी लाए हैं, मैं पूरा दिखाऊंगी आपको. और कल का भी कुछ कुछ शूट किया है कि जैसे नाड़ू वाड़ू बन रहे थे तो मैं वो भी डाल दूँगी, आप देख लेना. तो आप ये ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना. एंड एट लास्ट इफ यू रियली लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. तो मैं तो अभी लेट हो रही हूँ, मैं बोलूँगी ज़्यादा तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ. बाय. तो लक्ष्मी पूजा के टाइम ना बहुत टाइप का नाड़ू बनते हैं, या हिंदी में बोलूँ तो लड्डू के शेप में बहुत मिठाई बनते हैं. तो उसका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है नारियल. नारियल गुड़ से ही ज़्यादा बनते हैं. तो अभी जो बनाएंगे वो 3 टाइप का है. एक गुड़ का नाड़ू है, एक मुड़ी मुआ है और एक सुरेश पुआ है. ये 3 टाइप का बनाए हैं, आसान है बहुत. तो पहले तो गुड़ को थोड़ा लिक्विड मतलब लिक्विड करके, क्योंकि बहुत हार्ड रहते हैं वो, लिक्विड करना है. उसमें नारियल डालना है, फिर उसको छोटा छोटा बॉल, इसमें चीनी नहीं डालना है, चीनी के बदले में तो गुड़ यूज़ ही हो रहा है. उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो नाड़ू बनाया वो था सुरेश पुआ. सुरेश पुआ के लिए मैदा चीनी और नारियल चाहिए होते हैं. उसको गोल 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 नहीं लंबा लंबा शेप में, आपके इच्छा आप कोई भी शेप कर सकते हो. तो सुरेश पुआ के लिए वो शेप करके इसको डीप फ्राई करना है. लास्ट वाला जो नाड़ू बनाए थे वो था मुड़ी मुआ था. वो मुड़ी और गुड़ ही चाहिए होते हैं उसके लिए. वो भी गुड़ को पहले लिक्विड करना है, फिर मुड़ी पे डालना है, फिर इसको गोल गोल तक करके रखना है. आजकल तो ये बन गया ना, तो मेरा नाश्ता ही ये सब होता है. फिर मैं अभी जाऊंगी ऊपर, क्योंकि अभी दादा और बोधी फुल लगे हैं तैयारी पे. मेरे घर पे मेरे रूम पे पूजा होगा. सो आप देखो. इतना तक ही तैयारी हुआ है, बाकी सब कुछ नेक्स्ट डे होगा. एंड हियर इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग. ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, अभी बस भोग के प्रसाद के लिए तैयारी चल रहा है और रंगोली बनाना है. उसके लिए फ्लावर्स आ गया है फूल. और अभी ना मेरे पास आबिर जो है आबिर ख़त्म हो गया है, पता नहीं था. तो पापा भी 5 टाइप का आबिर से रंगोली बनाना होता है, 5 टाइप का, तो वो लाए नहीं. मैं यहाँ इस टाइम मतलब फूल को तोड़ के रखी थी. उसके बाद आ गया था आबिर 5 कलर का, ये आप देख ही पा रहे हो. और मैं अभी बनाऊंगी रंगोली. एंड हियर इज रंगोली. तो लेट मी नो कि कैसा हुआ. मैं बहुत टाइम बाद बनाई, बीच में प्रैक्टिस नहीं रहते तो उतना अच्छा नहीं रहे होते हैं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. तो फाइनली सब कुछ तैयारी हो गया है, अभी बस पंडित जी का लाइक वेट कर रहे हैं. वो 3 बजे आएंगे. और यहाँ मैं आलता भी लगा लिया,
मैं कभी आलता नेल पॉलिश ये सब लगाती नहीं हूँ, बट माँ बोलते लक्ष्मी पूजा के टाइम लगाना चाहिए, तो मैं हमेशा हर साल लक्ष्मी पूजा के टाइम ही लगाती हूँ। और उसके साथ साथ लक्ष्मी पूजा के टाइम ना पटाखा बोलो, और जो लक्ष्मी का जो पाव होता है ना, पाव का जो पेंट होता है वो भी करना होता है। तो हमारे घर का जो है टाइल्स या मार्बल जो है वो वाइट कलर का है, तो मैं आलता से ही ड्रॉ किया था पूरा लक्ष्मी का पाव नीचे से ऊपर तक, मतलब पहले ऊपर जाएगा सीढ़ी से, फिर पहले टेंपल मंदिर जो पूजा घर है वहाँ, उसके बाद जो जहाँ पूजा हो रहा है लक्ष्मी का वहाँ, जैसे मेरे घर। और ये है मेरे घर का पूजा घर, तो पहले यहाँ तक आएगा, उसके बाद अभी जा रहे मेरे घर जहाँ पे इनका पूजा हो रहा है। मुझे ना वाइट मार्बल से सब ज़्यादा भी वो जो पहले ज़माने का पक्का होता है ना, जो फ्लोर होता है उसमें वाइट कलर का जो रंगोली होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसको अल्पोना बोलते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग का सारा तैयारी हो गया है, प्रसाद भोग जो भी है। अभी तो पंडित जी थोड़ा लेट किया था, 3 बजे का आने का टाइम था, वो थोड़ा लेट किया कर रहा है, फ़ोन किया था, वो बोला कि रास्ते पे है। लक्ष्मी पूजा के टाइम पंडित मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हर घर पे लक्ष्मी पूजा होता है। और ये महारानी तो बाप रे बाप, मतलब परेशान किसको बोलते हैं, अभी ये बोल रही है मेरे को आने इसके पास। इसका पता नहीं नया नया चीज़ें सीख रहे कहाँ से, भगवान जाने। अब ये जग होगा, जैसे मूर्ति से पूजा करते तो जग करते हैं, तो उसके लिए तैयारी चल रहा है। अभी हो गई हूँ रेडी, एंड लेट मी नो कि मेरा ये लुक कैसा है, और पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ, पता नहीं बहुत टायर्ड लग रहे थे आज, लेकिन अब कैसे कैसे करके मैं तैयार हुई हूँ। मुझे ऐसा इयररिंग्स ना बहुत पसंद है, मेरा ये साड़ी कैसा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का है, न्यू ही है, तो मैंने सोचा आज येलो कलर का जामदानी है ये विद ग्रीन ब्लाउज, और अगर कुछ स्पेशल है तो ये इयर रिंग्स है,
इसको बोलते हैं बंगाली में कानपाशा, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले ज़माने में लोग पहनते थे गोल्ड वोल्ड का, आज भी पहनते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए साड़ी पहनी थी, अभी साड़ी खोल के दूसरा कुछ पहनूंगी। एक तो बहुत गर्मी लग रहा है और पटाखा फोड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये साड़ी पता नहीं आग भी लग सकता है। तो माँ बोल रहा है कि तुम साड़ी खोल लो, तो खोल लूँगी साड़ी, मैं क्या करूँ। चलो रहवा अपना। तो मैं अभी ड्रेस चेंज कर लिया, अभी पटाखा फोड़ना है। ज़्यादा टफ वाला बहुत होता है ना, भयंकर वाला पटाखा होता है, वो सब नहीं करती, नॉर्मल पटाखा ही फोड़ती हूँ। चलो आप रहो ब्लॉग पे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है पता नहीं कैसे कैसे मैं शूट कर रही हूँ उल्टा पाल्टा। अभी मेरी मम्मी गाना चला रही है, पटाखा फोड़ना है, फिर मेरे को मेरे मामा के घर भी जाना है, छोटो निधि सब लोग लोगों के घर पे, सब घर पे पूजा हो रहा है। मेरे घर से अम्मा बहुत उतने जाएंगे, माँ, मैं, दादा, बाबा और छुटकी। तो चलो चलते हैं। और ये है प्रसाद। इतना डरती है, इतने टाइम लगाने, मतलब इतने टाइम बाद ये आग लगाई उसमें, बाप रे बाप। ये बस एक ही पटाखा फोड़ी, बस एक। काकू भी आ गए हैं, काकू और छोटू मनी आ गए हैं, और अभी ढाक आने वाले हैं। लक्ष्मी पूजा के टाइम ना हर किसी के घर पे ढाक जाते हैं, तो अभी तो ढाक आने वाले हैं, अभी तक आया नहीं। हम लोग ढाक का भी वेट कर रहे हैं।
देखो मेरे घर का लक्ष्मी शाम के टाइम कितनी प्यारी लग रही है। और अभी मैं जा रही हूँ मेरे मामा के घर। हर टाइम हर साल में जाती हूँ लक्ष्मी पूजा के टाइम। तो ये है दुर्गा बाड़ी। दुर्गा बाड़ी तो बहुत मतलब माँ दुर्गा का तो बहुत ज़्यादा याद भी आ रहा है। और अभी मैं पहुँच गई हूँ। और इन लोगों का लक्ष्मी तो इस बार इतना सुंदर हुआ है और ये लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और ये महारानी इतना लाइट देख के तो सोच रही होगी कि मैं कहाँ आ गई, जन्नत में आ गई हूँ क्या। और सब मिलके बातें बातें कर रहे थे, फिर प्रसाद का तैयारी चल रहे थे। तो मेरे जो बुआ है, इन्होंने मतलब छोटो है, इन्होंने हमारे लिए खिचड़ी, फिर कुछ कुछ सब्जियाँ, आलू फ्राई, फिर जो फ्रूट्स, जो प्रसाद, ये सब। और ये देख के, ये बैठ के देख रही थी। तो वही अब ये सब खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा मस्ती वस्ती किए, फिर यहाँ मैं अपना फ़ोटो वोटो लिया कुछ कुछ। तो सब कुछ ख़त्म करके मैं वापस आ गई थी घर। घर आके मैं और दादा सीधा गए टेरेस पे। और ये है चांद। आज पूर्णिमा है ना, तो पूरा फुल मून है, बहुत ही सुंदर लग रहे थे चांद को। और आसमान से इतना सुंदर लग रहे थे ना, हर जगह पटाखा फोड़ रहे थे, आवाज़ भी आ रही थे, और लैंटर्न भी दिख रहे थे। इतने सारे लैंटर्न मिले हैं ना आज, बहुत सारा लैंटर्न था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।